त्वमही न पिसा वसो त्वं माता सत्कृतो बभूविथ अधाते शुम्नमी महे तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रकटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुम्हें बिठाते हैं। भक्ति भाव की भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। सम्मानित आर समाज कुबेर नगर के माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति भाई धर्मपाल आर्य जी, परमपिता परमात्मा की महान कृपा है, हम यहाँ बैठ करके सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। कोई पार नहीं पाता है, कोई पार नहीं पाता है तेरी माया का। तेरी माया किस कारण तू जगत रचाता, धारण करता फिर मिटाता। किस कारण तू जगत रचाता, धारण करता फिर मिटाता। सिलसिला बार बार ठाता है तेरी माया, सिलसिला बार बार ठाता है तेरी माया का। कोई पार नहीं पाता है तेरी माया का। कोई पार नहीं पाता है तेरी माया, तेरी माया मसाला पता नहीं क्या लाकर, घोर अंधेरे
अंदर जाकर मसाला पता नहीं क्या लाकर घोर अंधेरे अंदर जाकर सबके सब अंग बनाकर सबके सब अंग बनाकर करब मैं कैसे ठहराता है तेरी माया का तेरी माया का तेरी लीला का कोई पार नहीं पाता है तेरी माया बड़े बड़े ऋषि मुनि आलिम दाना भेद किसी ने भी नहीं जाना बड़े बड़े ऋषि मुनि आलिम दाना किसी ने भेद नहीं पहचाना कहाँ से आता कहाँ जाता है जीव कहाँ से आता कहाँ जाता है तेरी माया का कोई पार नहीं पाता है तेरी माया का तेरी माया का तेरी लीला का कोई पार नहीं पाता है तेरी माया हे प्रभु अपार महिमा तेरी देख हैरान अकल है मेरी हे प्रभु अपार लीला तेरी देख हैरान अकल है मेरी तेज सिंह खाए गयो चक फेरी तेज सिंह खाए गयो चक फेरी वेद भी नेत नेत गाता है तेरी माया का कोई पार नहीं पाता है तेरी माया का तेरी माया का तेरी लीला कोई पार नहीं पाता है तेरी माया परमपिता परमात्मा की व्यवस्था बड़ी विचित्र है अणु परमाणु से लेकर के कितने ऊंचे ऊंचे पदार्थ बना देता है वैज्ञानिक लोग विचार करते हैं कि ये भूमि पर ऊपर से अरे नीचे कोई क्यों आता है ऐसी विचार किया कि ये ऊपर क्यों नहीं जाता सेब का फल नीचे ही क्यों आता है जमीन पर ऊपर क्यों नहीं जाता है जी वैज्ञानिकों की खोज की और आज उनके लिए स्थान दिया गया और हमारे ऋषियों ने बहुत पहले बोल दिया था कि प्रत्येक पदार्थ अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा अपनी ओर खींचता है प्रत्येक पदार्थ अग्नि को आप यज्ञ के द्वारा नीचे आप जलाएंगे अग्नि ऊपर जाती है क्यों जाती है ऊपर कारण है अग्नि का आधार प्रीतम है सूर्य अग्नि सूर्य की ओर जाती है इसलिए वो अपने प्रीतम से मिलने के लिए अपने गंतव्य को जाने के लिए ऊपर को उठती है नीचे क्यों नहीं दबती है जी कितना भी आप नीचे दबाओ कितना भी कोशिश करना क्यों उसका आधार सूर्य और जल को आप ऊपर कितना भी फेंके नीचे ही आएगा
है जी, ऊपर क्यों नहीं जाता? कारण है क्योंकि उसका जो आधार है वो समुद्र है। जल कहाँ से मिला? समुद्र से। तो उसका आधार नीचे है, वो नीचे आएगा जाएगा नहीं, है जी। इसी तरह से ये फल है ये ऊपर नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर जो तत्व हैं वो भूमि के हैं, उसके अंदर तत्व हैं वो जल के हैं, है जी। जिसके अंदर ज्यादा तत्व पदार्थ होते हैं वो नीचे को ही आएगा। भूमि का है तो भूमि अपनी तरफ खींचेगी, जल का ज्यादा है तो जल अपनी तरफ खींचेगा, और वायु होती है तो वायु ऊपर जाती है, है जी। वायु का आधार है अंतरिक्ष, वायु यानी ठहरती। वायु किसी के अंदर आप छुपा करके रखें, दबा करके रखें, और वायु नीचे रुक नहीं सकती। वायु कहां जाएगी? हमारे ऋषियों ने बहुत पहले चिंतन किया था, हम नहीं समझ पाए, है जी। वेद के लिए ज्ञान कर्म और उपासना के आधार पर जुड़ा। वेद में क्या है? ज्ञान और फिर कर्म, फिर उपासना। अब यहां पर हमें सोचना चाहिए कि ज्ञान के साथ कर्म है तब तो हमारा कर्म ठीक है, वो उसका फल सुखदायी होगा, है जी। और अज्ञान के साथ हम कर्म करेंगे, ज्ञान नहीं है, वहां अज्ञानता अज्ञान है, हम समझ नहीं पा रहे और कर्म कर रहे हैं, तो हमारा कर्म निष्फल होगा, वो कर्म सुखदायी नहीं होगा। इसीलिए हम कर्म से जुड़ेंगे, जब ज्ञान मिलेगा तब। पहले ज्ञान उसके बाद कर्म, जब ज्ञान समझ लेंगे, कर्म का समझ लेंगे तब उपासना करेंगे, है जी। उपासना का उसके समीप जाएंगे, हम समझ रहे ही नहीं, है जी। हमने अंधाधुंधी कर्म किए, ज्ञान का पता नहीं, तो हम कहां जाएंगे? अधोगति में जाएंगे, डूबेंगे, है जी। इसीलिए उपासना तो सबसे पहले मंत्रों में कहा गया, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रहा, पाठ करते नहीं? सबसे पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, तो सबसे पहले करते हैं स्तुति। स्तुति उसकी प्रशंसा करते हैं, है जी, आप बहुत अच्छे हैं, है जी। तो परमात्मा को पहले समझें, उसकी स्तुति कैसे करें, परमात्मा कैसा है? परमात्मा तू न्यायकारी है, तू दयालु है, तू अजन्मा है, तेरा अनंत, तू सर्वव्यापक है, है जी। जब ये हम भाव समझ करके स्तुति करेंगे तब प्रार्थना करेंगे, है जी। कोई व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा करता है, आप बहुत अच्छे, फिर प्रार्थना करता है, है जी। स्तुति प्रार्थना उपासना, प्रार्थना करता है कि मुझे कुछ इतना चाहिए, है जी। तो उसके समीप जाना पड़ेगा, बिना समीप जाए कुछ मिलेगा नहीं। लौकिक व्यवहार में आप सोचो, माँ बच्चे को दूध जब पिलाती है, जब बच्चा स्तुति करता है, बच्चा भूखा होता है तो रोता है, समझ लेता है, माँ भी समझ लेती है उसके भाव को, ये बच्चा भूखा है, इसको दूध पिलाई, तो स्तुति करता है, तो प्रार्थना करता है, वो अपनी भाषा में प्रार्थना करता है, बच्चा अपने भाव प्रकट करता है रोने के द्वारा, माँ समझ लेती है। तो उपासना उसको अपने गोद में लेकर के उसको स्तनपान कराती है। इसी तरह से परमात्मा हमारा दयालु है, हम उससे स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपासना जब हम स्तुति समझेंगे नहीं जी, तब प्रार्थना करेंगे, उपासना फिर तो हमारी निष्फल होगी। इसलिए सबसे पहले ज्ञान के साथ कर्म करते हैं तो वहां पर उन्नति होती है। यज्ञ में आहुति देते हैं, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, है जी। अग्नि एक भौतिक अग्नि है और वहां पर अग्नि जो दी जाती है, अग्ने स्वाहा का अर्थ वहां पति और पत्नी ग्रस्त जीवन से दी जाती है।
पत्नी और पति का स्वरूप दिया जाता है। अग्नि स्वाहा, ये पति है, ये अग्नि स्वरूप है, ये कभी कटु भी बोल सकता है। तो वहीं पर सोमाय स्वाहा, तो पत्नी को सौम्यता के रूप में रहना चाहिए, पत्नी साम्य अवस्था में। बोले कोई बात नहीं, पति का क्रोध हो गया है, पत्नी शांत हो जाए, और पत्नी को क्रोध आया तो पति शांत हो जाए, एक दूसरे के पूरक है, तब ग्रस्त जीवन, तब होगा प्रजापते स्वाहा। प्रजापते, हमारी संतान अच्छी होगी, जब अच्छे भाव के साथ हम कार्य करेंगे तो हमारी संतान अच्छी होगी, तब हमारी इंद्राय स्वाहा, हमारी प्रशंसा होगी हर जगह, ख्याति होगी, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये इनका गृहस्थ जीवन, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो हमें प्रत्येक भाव हमें सिखाता है यज्ञ से जुड़े, ये परमात्मा यज्ञ कर रहा है सुबह से शाम तक, है जी, परमात्मा ने ऐसा यज्ञ करके तैयार कर दिया है, उसकी अग्नि बुझती नहीं सूर्य के अंदर, जो बताओ सूर्य निकलता है रोज और रोज छुपता है, नया बन के आता है, कभी मंदी नहीं पड़ती, क्या कारण, उसने ऐसा यज्ञ कर दिया है कि उसकी अग्नि मंद ही नहीं पड़ती। परमात्मा का यज्ञ हर जगह, वायु अपना यज्ञ कर रही है, वायु किसी से किराया लेती है, जी हमें कितना प्राण जीवन उत्तम पदार्थ मिलता है, वायु न हो तो जीवन नहीं चल सकता, इसलिए कहा हमें यज्ञ से जोड़ने के लिए कि अगर व्यक्ति को भोजन 10-5 दिन न मिले तब भी जीवित रह सकता है, 2-4 दिन जल भी न मिले तो भी जीवित रह सकता है, है जी, लेकिन वायु न मिले तब, तो सबसे उत्तम सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है, वायु, और वायु को शुद्ध करने के लिए हम यज्ञ के अंदर आहुति देते हैं, बढ़िया सुंदर सामग्री मिला करके यज्ञ करते हैं, कारण हम भी जीवित रहें और भी जीवित रहें। यह यज्ञ हमें औरों को भी सिखाता है, स्वयं के लिए सिखाता है, ये यज्ञ उपदेश करता है। लिखा वेदों में विधान अद्भुत है महाबन की लिखा, लिखा वेदों में विधान अद्भुत है महाबन की लिखा, जो वस्तु अग्नि में जलाई हल्की हो करके ऊपर उड़ाई, जो वस्तु अग्नि में जलाई हल्की हो करके ऊपर उड़ाई, करे वायु से मिलान जाती है रास्ता गगन की, करे वायु से मिला जाती है रास्ता गगन की, लिखा वेदों में विधान अद्भुत है महाबन की लिखा, जब आकाश मंडल में जाई जलवायु की होत सफाई, जब आकाश मंडल में जाई जब आकाश मंडल में जाई जलवायु की होत सफाई, हो वर्षा अमृत समान प्रति होए अन्न और धन की, हो वर्षा अमृत समान प्रति होए अन्न और धन की, लिखा वेदों में विधान अद्भुत है महाबन की लिखा, जब अन्न की वृद्धि होती है तब प्रजा सुखी होती है, जब अन्न की वृद्धि होती है तब प्रजा सुखी होती है,
न रहता दुख का निशान, आ जावे लहर अमन की न रहे दुख का निशान, आ जावे लहर अमन की लिखा गीतों में विधान, अद्भुत है महिमा हवन की लिखा। गीतों में विधान अद्भुत है महिमा, यज्ञ की महिमा बहुत बताई जी। जिस समय महाभारत में यज्ञ हुआ, यज्ञ किया उन्होंने और बहुत सुंदर यज्ञ किया, उसके साथ दान भी किया, यज्ञ के साथ गायों को भी दान दिया और भी पदार्थ बहुत यजमानों ब्राह्मणों को दान किया। और वहीं पर कहते हैं एक न्योला आ गया, हाँ वो एक कहीं एक साधु महात्मा कोई थे, तपस्वी, पति और पत्नी रहते थे, जीवनों का सात्विक था, बहुत अच्छा था। वो केवल धन संग्रह नहीं करते थे, धन जितना मिल जाता उसको उतना ही एक दिन के लिए रखते, बाकी अपरग्रह के अनुसार अपना कार्य करते थे। जीवन बहुत सुंदर था। उनके यहाँ पर कोई अतिथि आ गया, एक उनका सुपुत्र बेटा था, एक पत्नी और पति, तीन प्राणी थे, भोजन तैयार था। अतिथि आ गया, उसने कहा मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भूखा हूँ। दरवाजे पर आया तो श्रीमती ने कहा कोई बात नहीं, आइए स्वागत है, बैठो। तो अपनी थाली देवी जी ने उठा करके दे दी, बोले लो भोजन करो। अब भोजन करने लगा वो व्यक्ति, फिर कहा कि मैं अभी तृप्त नहीं हुआ, अभी भूखा। तो पति ने भी भोजन नहीं किया था, पति ने अपनी थाली दे दी। पुत्र देख रहा था कि चलिए कोई बात नहीं, भोजन तो इतना ही है, अब जो रह गया है इसमें से हम तीनों प्राणी बांट करके खा लेंगे। वो व्यक्ति पति की भी थाली खा गया। उस भोजन करने के बाद बोला मैं अभी भूखा हूं, तृप्त नहीं हुई। तो पुत्र ने सोचा कोई बात नहीं भाई, आप इसको भी लो। तो पुत्र ने भी उठा करके अपनी थाली भोजन दे दिया। अतिथि ने भोजन किया और बड़ा तृप्त होकर के बोला धन्यवाद परमात्मा, मेरे प्राण बच गए, बहुत सुंदर। उसने कुल्ला किया, जैसे अपना मुंह धोया। तो ये कहावत है, ये अलंकारिक भाषा है, अलंकार की भाषा में सब जाने का। तो वहां पर उसने जैसे ही कुल्ला किया तो वहां पर न्योला आ गया, न्योला उसके ऊपर जैसे ही कुल्ला किया पानी उसके ऊपर गया, जितने पदार्थ शरीर पर पानी गया उतना शरीर उसका सोने का हो गया, बाकी ऐसा ही रहा। अब उसने सोचा या तो मैं पूरा ही सोने का हो जाता। न्योले ने सोचा, अभी महाभारत में यज्ञ हो रहा था, बहुत प्रशंसा, बहुत उसकी तैयारियां थी। उसने सोचा चलो ये तो छोटा यज्ञ था जी, और ये विशाल यज्ञ हो रहा है महाभारत वहां पर, तो हम जाएंगे युधिष्ठिर के दरबार में, तो वहां जाकर के हमें हो सकता है कोई हमारा पूरा शरीर हो जाए ठीक। उसमें विचार कर रहा था, वो वहां पहुंच गया, उन्होंने यज्ञ किया। तो उनका यज्ञ वो परोपकार की भावना से नहीं था, वो सात्विकता से नहीं था, अहंकार में था। वो ये दिखावा कर रहे थे कि बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा है, उसकी चंगोर प्रशंसा हो, ख्याति हो, इस आधार पर यज्ञ किया जा रहा है। नेवला भी ढूंढ रहा था, घूम रहा था, लोग भोजन कर रहे थे और भोजन करने के बाद कुल्ला आदि सब कुछ कर रहे थे, नेवला घूमता रहा, पूरा शरीर भीग गया और न्याल जो के तो रहा। जब यज्ञ संपन्न हो गया, दावत आदि सब खा चुके लोग, तब न्योला पहुंचा युधिष्ठिर के पास में। महाराज मैंने तो बड़ी प्रशंसा आपकी सुनी और आपकी प्रशंसा सुनकर के आया था कि आपका बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, लेकिन एक तुच्छ, एक महान व्यक्ति, एक दो तीन प्राणी थे उनके बराबर आपका ये विशाल यज्ञ निरर्थक है, बेकार है। बोले क्यों? तब उसने अपनी सारी कथा सुनाई।
कि मैं गया था, वो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के पश्चात उन्होंने भोजन लिया और भोजन करते समय मैं पहुंच गया, मैं भूखा था, उन्होंने तीनों प्राणियों ने मुझे भोजन खिलाया, मैं तृप्त हुआ और वो एक साधु महात्मा तृप्त हुआ। उसके पश्चात मैं वहां घूम रहा था तो साधु ने, उस अतिथि ने कुल्ला जैसे किया तो मेरे शरीर पर गया, आधा पानी शरीर पर आया, मेरा सोने का हो गया। तो मैंने सोचा आपका तो विशाल यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है, तो सारा शरीर सोने का हो जाएगा, लेकिन आपके यज्ञ में कोई सफलता नहीं दिखी। तो यज्ञ में हमें भावना समझे, ये पृथ्वी यज्ञ कर रही है, ये जल यज्ञ कर रहा है, ये वायु यज्ञ कर रही है और ये सूर्य, संसार के वृक्ष पदार्थ जितने सब यज्ञ में लगे पड़े हैं। तो हमारा जीवन तो सर्वोत्तम है, बढ़िया है, इसलिए जब से ये कर्म छुटा है भारत का भाग्य लुटा है, जब से ये कर्म छुटा है भारत का भाग्य लुटा है, सुशर्मा करते बयान सहते हैं मार दुखन की, सुशर्मा करते बयान सहते हैं मार दुखन की, लिखा वेदों में विधान अद्भुत है मैं महावन की, लिखा वेदों में विधान अद्भुत है मैं महावन की, लिखा वेदों में विधान अद्भुत है मैं महावन की, लिखा दो में पिता अद्भुत है मैं महावन की। यज्ञ से जुड़ जाएंगे, हमारा जीवन सुंदर बनेगा, पवित्र बनेगा। अब बस आज का इतना, आगे आगे फिर शेष कल मिलेंगे। सब शांति पाठ, ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि ओ सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगी राज श्री कृष्ण भगवान की जय हो, ब्रह्म ऋषि महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय, गुरुवर ब्रजानंद दंडी जी की, भारत माता की जय, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, किरण वंतो विश्वमार्यम संसार के श्रेष्ठ पुरुषो एक हो, प्रणव ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते, रहे सब हंसते हंसते। ओम।